हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब मार्च में एग्जाम शुरू होंगे और उसके लिए बच्चों को अभी से अगर आप प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को मार्क्स गेन करने में बहुत आसानी होगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बनाया है क्लास फर्स्ट का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, राइट द नंबर नेम्स। यहाँ पे क्या लिखा है, 6, 4। तो क्या लिखेंगे, 64। बच्चों को इस तरीके से आप नंबर नेम्स लर्न कराएं। उसके बाद है फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ लिखा है 1 more than 75 इज 75। से 1 more करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 76। 1 more than 53 इज 54। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस, 5 tens plus 6 ones। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 tens means यहाँ पे हम इसको 50 लिखेंगे। उसके बाद जब इनको सम करेंगे तो 56 हो जाएगा। उसके बाद है -10 plus 3 ones। तो हमें यहाँ से पता लगाएंगे कि 70 लिखा है, 70, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 tens, यानी 73। तो बच्चों को इस तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट है रिंग द बिगर नंबर। तो यहाँ पे 2 number लिखे हुए हैं, तो हमें बिगेस्ट नंबर को रिंग करना है, 75। ऐसे यहाँ पे 49, 94, 94। रिंग द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर 26, यहाँ पे 18। नेक्स्ट है पुट द साइन ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल इन बॉक्सेस। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे 67, 48, तो 67 इज ग्रेटर देन 48, देन 80 और 85, 85 इज ग्रेटर देन 80। नेक्स्ट आता है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे 4 numbers लिखे हैं मैंने और इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, 4 सबसे स्मॉल नंबर होगा, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 4, देन 6, देन 9, सॉरी देन 8 एंड देन 9। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर आप करा सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इस तरह से ही होगा ये भी। उसके बाद आता है राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेयर्स मैंने जो बनाई हुई है यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे, 33, देन 31, 30 एंड लास्ट वन इज 28। तो इस तरीके से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन में यहाँ पे बच्चों को पहले वंस और टेंस की पोजीशन बतानी है कि सबसे पहले हम 1 से प्लस करना स्टार्ट करते हैं, 4 और 3 को प्लस करेंगे, 7, 2 और 1, 3। इस तरीके से एक और सम मैंने दिया हुआ है। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 6 और 4, तो बच्चों को लाइंस करके भी आप करा सकते हैं, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2 रिमाइंडर, देन 3 और 1, 1, 2, 3, 1 कट हो गया, 2। तो लाइंस का भी यूज करके आप सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। उसके बाद आता है फाइंड द प्रोडक्ट बाय रिपीटेड एडिशन। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 8, 4, 8 into 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन में हमें डालना है और 4 times में हमें क्या लिखना होगा, इसका मतलब क्या है कि 4 times हमारा क्या हुआ, 8। 8 को हम 4 times लिखेंगे, तो या तो हम प्लस करें या फिर 8 4 जा 32 ये करें, तो आंसर दोनों का इक्वल होगा। उसके बाद 7 into 7 का भी सेम ऐसे ही कराना है आपको।
उसके बाद आता है विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है? नवंबर। देन टेल द टाइम इन क्लॉक्स, बच्चों को क्लॉक्स भी कराई जाती हैं, तो यहाँ पे बच्चों को टाइम्स आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे 4 पे सुई है और 12 पर है, तो कितना हो जाएगा 4 o'clock। उसके बाद ऐसे ही आपको 9 का कराना है 9 o'clock, इस तरीके से आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज, यहाँ पे जैसे मैंने 1-3- इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों को फिल करने के लिए आप दे सकते हैं ऐसे, यहाँ पे 9 फिर 18 27 36, तो आप कोई भी नंबर करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द शेप्स, तो ये कौन सी शेप बनी हुई है? स्क्वायर, तो बच्चों को आपको स्पेलिंग लर्न करानी है स्क्वायर। देन ये इट इज ट्राइंगल, तो इस तरीके से आप बच्चों की टेस्ट की प्रिपरेशन करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।